अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एफर्ट। एक्सरसाइज एट 9.2 आज हम कर रहे हैं। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इज द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 60 मीटर, 153 मीटर एंड 111 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब आपने क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे जो लेंथ साइड्स की लेंथ दी हुई है, ये ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ जो है वो आपने लिख लेनी है, उनको ए बी और सी लिख देना है। वो ए बी और सी, ये तीन ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं, ये थ्री साइड्स की लेंथ है। तो बाय हीरोज फार्मूला, इस एक्सरसाइज में हीरो फार्मूला इस्तेमाल होना है। तो हीरो फार्मूला के मुताबिक आपने कहना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हीरो फार्मूला से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के होल स्क्वायर रूट। तो वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो आपको गिवन है, ये वाली वैल्यूज 60 मीटर, 153 मीटर प्लस 111 मीटर ओवर 2। ठीक है, सबको प्लस किया है और डिवाइड किया 2 पे, 324 ओवर 2 आ रहा है। तो फिर आपने 2 पे डिवाइड किया तो 162 आ रहा है। एस का आंसर जो है वो 162 आ गया। अब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले हीरोस फार्मूला जो है उसमें पुट किया, जो बड़ा फार्मूला है एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला, तो उसमें आपने पुट किया और आपके पास ये वैल्यूज आपने लगा दी। एस की वैल्यू लगा दी और ए, एस माइनस ए, ए की वैल्यू जो है वो 60 है यहाँ पे और बी की वैल्यू 153 है, एस माइनस सी, सी की वैल्यू 111 मीटर है। तो आपने इसको माइनस किया, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में और आपके पास ये फाइनल आंसर आया। उसको आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो 2754 मीटर स्क्वेयर आया। आपके पास साइड्स के साथ जो भी यूनिट लगा होगा, यहाँ पे जो भी यूनिट लगा होगा, मीटर है या सेंटीमीटर लगा, तो आपने एंड पे आंसर के साथ वही स्क्वेयर लगा देना है। मीटर अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वेयर लगा देना है, एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वेयर है या सेंटीमीटर स्क्वेयर है। अगर ऊपर साइड्स की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी हुई तो वो सेंटीमीटर स्क्वेयर लगा देना है आपने। तो यूनिट आपने लाजमी लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसलिए वो मैं नहीं करवा रही। अगर आपको उसमें से कोई मसला आया तो मुझे बताइएगा, वो भी मैं कर दूंगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मिसिंग एलिमेंट। ए इज इक्वल टू 5 मीटर, बी इज इक्वल टू 7 मीटर और सी जो है वो फाइंड करना है आपने। एस है वो 9 मीटर दिया हुआ है। तो बाय हीरोज फार्मूला जो है ना, और आपने इसके अलावा एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है। हीरोज फार्मूले से एस इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 लगाना है आपने। एस जो है वो 9 दिया हुआ है आपको, ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, सी नहीं गिवन आपको। तो आपने क्या किया कि 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया। 5 प्लस 7 12 आ गया, 12 को 18 में से माइनस किया, सी की वैल्यू आ गई 6 मीटर। तो अब आपने वही फार्मूला लगाना है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। तो वो फार्मूला लगाया, इसकी वैल्यू लगा दी आपने 9, और 9 माइनस 5 है, 9 माइनस 7 है, और ये 9 माइनस 6 है, सी की वैल्यू जो आई थी। एस की वैल्यू जो है वो 9 है गिवन है, जो ऊपर आपको क्वेश्चन में शुरू में गिवन थी। अब आपने इन सबको माइनस किया और जो भी आंसर आ रहा है, उनके आंसर्स जो आ रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है आपस में, और 216 आ रहा है, 216 का आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो 14.7 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो थे आपके पास मीटर दिए हुए थे, तो आपने एंड पे फाइनल आंसर के साथ जो है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो 14.7 मीटर स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी 9.2 एक्सरसाइज। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, शॉर्ट भी है एक्सरसाइज। तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर देना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।